एक एक आज से कुछ 1000 साल 1100 साल पुराना सेम कपूर ह्यूमन एवरीवेयर गाइस। और इधर देखो, इधर भी ह्यूमन, यहाँ पे भी आके हमने क्या काम पकड़ा हुआ है। भैया मेरे को कुछ लेके दो ना आप, क्या लेके दोगे? दो मेरे पास। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए यहाँ पे हवा महल में, है ना। यहाँ से अराउंड 21 किलोमीटर दूर है यार, 3 किलोमीटर दूर जाके हमें वहाँ से हमें गाड़ी मिलेगी। पर एक गाड़ी नहीं, 2-3 गाड़ियाँ कभी कभार चेंज करनी पड़ती है। चलो पहले गेट पास दिखाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। वो चाचे कपड़े चेंज कर रहा है भाई। मैं तो थोड़ा लेट आया था, लिया तो पहले आया हुआ है ना। यहाँ पे किसी बंदे से भी राजस्थान में लिफ्ट मांगो तो दे देता है, दे देता है। लेकिन इस बार ये टाटा मोबाइल वाले ने आज नहीं लिफ्ट दी। नहीं, इसी फुल था ना, फुल नहीं था ये की बंदा। एक एक गाइस, हम यहां पे लिए यार, शुक्रिया। चलो चलो, जहाँ से गाड़ी मिलेगी वहीं पे ड्रॉप कर दो। पर चाचा जी ने बोला हम आपको थोड़ा आगे ड्रॉप करेंगे, वहाँ से आपको गाड़ी मिल जाएगी। ये तो सेम भाई, हो रही आसान हो गया, ये ज्यादा आसान हो गया भाई। चाचा जी भरवाने लगे जी पेट्रोल, और मैं आप लोगों से तब तक बातें कर लेता हूँ। तो हमने जो है वहाँ से लिफ्ट लेने का कोई प्लान नहीं था हमारा। जैसे ही हमें ट्रैक्टर दिखाई दिया भाई, लियाकत ने ऐसे हाथ दिया और चाचा जी ने रोक लिया। हमने पीछे वाले जंक्शन पे उतरना था जहाँ पे हम उतरने की बातें कर रहे थे, फिर वहाँ पे नहीं उतरे। चाचा जी ने बोला थोड़ा आगे लेके हम आपको उतारेंगे, जहाँ से आपको मेन जो है हवा महल वाली साइड की गाड़ी मिल जाएगी। बिल्कुल शक पड़ गया कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, पता नहीं बंदे कहाँ से आए हैं, क्या हमें पता नहीं हमारी शूटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमने बोला अंकल कुछ नहीं है, वो यूट्यूब के लिए। कोई मसला नहीं अंकल जी, आप फेमस हो गए, आज हमें 200 व्यूज आने वाले। शुक्रिया। रिक्शा वाले के साथ जाके थोड़ी सी कंपनसेशन कुछ कर ले, क्योंकि भाई किराया बहुत ज़्यादा बता रहा है। और यहाँ पे जो भी बसेस आ रही हैं, बसेस का हमें कुछ खास पता नहीं है कौन सी बस यहाँ से वहाँ लेके जाएगी। इससे अच्छा है कि हम कोई रिक्शा ही पकड़ लेते हैं। चलो हो गया बंद, पक्का ना। करना फोन पे करो, कैश नहीं तो मेरे पास भी नहीं, मेरे पास भी ऑनलाइन, हमने ऑनलाइन का रखा हुआ है। अब मसला हो गया, फिर मेरे पास कैश बोल दे। गाइस यहीं से अंदर हवा महल का रास्ता जाने वाला है, और मुझे क्लियर नहीं था, यहीं पे आके पता चला कि भाई जंतर मंतर, सिटी पैलेस, हवा महल एक ही जगह पे है। और मैं ना गूगल मैप्स को मैं क्या ही बोलूँ आपको, तो अंदर नहीं जाने तो आया क्यों है ये बात बता। गाइस आगे से चिल्लाने की कुछ आवाज़ें आ रही हैं, तुम क्या मसला है, क्या मसला है भाई, है ना, यहाँ के ही पता चलेगा, अभी तो कुछ बता नहीं सकते। टिकट विंडो के सामने यहाँ से ये देखो, ये सारे बंदे टिकट्स लेने के लिए खड़े हुए हैं, वहाँ से लेके वो वहाँ तक लाइन, और उधर से लेके उधर तक लाइन है। ओ भाई साहब, आज हमारी टिकट लेते ही टाइम ही हमारी तबाही हो जानी है। घूमेंगे क्या भाई, 12 बज गए पहले से, 1 बजने वाला, वेरी गुड, लाइन तोड़ना नहीं मत, चित्र खाए। एटीएम आए, हमारे पास कैश कुछ नहीं थी, नहीं चल रहा, फिर क्या करेंगे, ये कुछ नहीं ना हो रहा, अब पता ही नहीं कार्ड का असल, कार्ड किसने दिया तुझे। 1:10 गाइस, 1 घंटे का टाइम लगे हमें सिर्फ टिकट्स लेते टाइम पे। चलते अंदर, आप लोगों को भी हवा महल दिखाते और खुद भी देखते हैं, मैंने भी पहले नहीं देखा हुआ यार। चलें चलो, वाह, तो गलत हुआ यार, मैंने सोचा था हमारे स्वागत के लिए भी खड़ा हो। यहाँ पे कुछ क्या चल रहा है, हाँ कुछ वो राजस्थानी क्या बोलते हैं, तो सॉन्ग्स जो पुराने टाइप के होते थे वैसा वाला कुछ। यहाँ पे कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है इस साइड पे। चलो चलो चलो, सभी लोग रोड का टेंडर होता इधर नहीं, इधर
ये हम कहाँ पहुँच गए, हम तो टॉप पे आ गए ना चलते चलते। हाँ, पांच स्टोरीज है इसकी और हम अभी हैं फोर्थ पे। फोर्थ पे? हाँ फोर्थ पे। यहाँ पे अंदर नहीं जा सकते गाइस, ये हवा महल हमारा अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। और एक चीज बताऊँ, पता है ये जो कैमरे लगे हुए हैं उसके जमाने के लगे सच में, और नहीं तो हम सच में बोल रहे थे कि हवा महल है, हमने सोचा हवा में हवा में है। भाई बेसिकली इसके बनाने का मतलब क्या था यार? अभी पूरा घूमेंगे फिर बताएं। हाँ फिर उस पे चलते हैं, चलें। भाई अंदर से इतना कुछ खास नहीं है, ये देखिए खिड़कियाँ बनी हुई हैं और इन खिड़कियों के बारे में गाइस, ये जो हवा महल का नाम हवा महल इसलिए पड़ा था क्योंकि इसकी जो फिफ्थ स्टोरी है, कल बुलाना नहीं, जो फिफ्थ स्टोरी है और फिफ्थ स्टोरी के ऊपर मंदिर बना था जिसका नाम था हवा मंदिर, उसी के नाम पे जो बेस्ड इसका नाम रखा गया बाद में हवा महल। और ये आज से कुछ 200 साल पहले बनाया गया था महाराजा स्वाय प्रताप सिंह के द्वारा, 1778 में शुरू हुआ। तो 1801 में जाके कंप्लीट हो गया था। अभी हम क्या ही बताएं ये क्यों बनाया गया था जाते बस मौजू के लिए आते हैं इधर से ऊपर। देखो कैसे लोग सेल्फियां ले रहे हैं। क्या कुछ भी नहीं ऊपर कितना रश है भाई, सिर्फ सेल्फियां लेने के लिए ऊपर रश ही बहुत। चल चल यहाँ से आगे निकल, लोग ज्यादा होते हैं लेकिन सिटी का पूरा व्यू है भाई। क्या भाई वो सेम भाई, मैं आपको कुछ सीन दिखाता हूँ, सच में भाई जी नहीं है। नहीं मतलब क्या करना क्या चाहते हो? नहीं था यार है नहीं है यहाँ पे, हाँ क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है और जगह इतनी इतनी है दो बंदू के खड़े होने की, तो वो भी बस मतलब नॉट वर्थ यार। चलो और ये यहाँ पे बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, उसी ज़माने की सारी राजाओं महाराजाओं के ज़माने की बनी हुई। और ये मेन रोड यहाँ पे भाई, इस रोड ने खप डाली हुई है सारी की सारी। गाइस उतना कुछ खास नहीं है, ये है कि नहीं है, असल में इस बिल्डिंग का बताए कलर ऐसा नहीं होता था, फिर जब से लोग पान खाना शुरू किया ना लोगों ने तो वो बन रहे अभी ये बन रही है गाइस। नहीं तेरी गलती नहीं है भाई, पेंटिंग हो रही है। हाँ गाइस वो देखो डेंटिंग पेंटिंग हो रही है, इसको अच्छे से जो है बनाया जा रहा है। ओए तू कहाँ घूम गया भाई, भूल गया था सच में। ये घूम, इसको पकड़ के रख भाई, साथ रख गाइस। ये कुछ मंजर है हवा महल का, हमारे सेम भाई सेल्फी ले रहे हैं। बस यार हर साइड से वही व्यू आ रहा है घूम फिर के, थोड़ा थोड़ा हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओह वाओ ये इधर लंबा है यार बहुत, है कि नहीं? मैं है लिया था पूरे 50 रुपये का भाई, स्वाद लेके जाएंगे हम यहाँ से। नहीं ये जगह पे आना अलाउड नहीं है, वे टू एग्जिट, ये एग्जिट वाली साइड पे आ गए भाई, अभी नहीं हमें जाना, हमें 50 रुपये पूरे अपने वसूलने हैं भाई। सही बात है, इतनी छोटी छोटी खिड़की है, मेरा कैमरा इनसे भी छोटा है, दीवार निकले हमारी इतनी सी खिड़की है जिसमें से मेरा मुँह भी नहीं बाहर जा रहा है, फायदा क्या है इनका यार, निकल गया मेरा ही मुँह बड़ा यार। चल 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 वाह, यहाँ पे ये कुछ है डांस पैनल, अ पैनल विद डिपिक्शन ऑफ लेडी होल्डिंग वाटर, कहाँ से ये 7th century AD, मतलब 1600 कुछ का है ये, तब का बना हुआ है। वाह
ये कब का है? 10th century AD, आज से कुछ 1000 साल, 1100 साल पुराना। सेम का बोल 1300 ही है भाई, 1300 साल पुराना पत्थर। तो ये ताले पे क्या लिखा हुआ? 25 पता नहीं, जब ये सील हुआ होगा तभी का लिखा हुआ होगा। 17th century AD का है। ये भी सेम दिन का है। कौन सा? ये भी सेम दिन का, मार्बल का बना हुआ है। 10th सेंचुरी, 1100 साल पुराना। ये 18 यहाँ पे हम ना हवा महल देखने के लिए आए थे, मुझे नहीं था पता अंदर ऐसे कुछ म्यूजियम वाली चीजें रखी हुई होंगी, तो चलो इसके म्यूजियम भी। हवा महल पूरे में 933 विंडोज आई देख भी ली, और ईस्ट वाली साइड पे आने नहीं देते क्योंकि इसकी तबाही कर कर की नहीं, रिनोवेशन का काम चल रहा है। यहाँ पे पूरा इसका एक मॉडल बना के रखा हुआ है हवा महल का। काश ये बिल्डिंग जितनी यहाँ पे दिखती इतनी सच में खूबसूरत होती। मेरे होते हुए आप टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ, यहाँ से बाहर किसी को वापस नहीं आने देते। तो मैंने बोला कि हमने ऑनली पिक लेनी है, तो उन्होंने बोला यहाँ से बाहर नहीं जा। हाँ, ट्रैफिक जाम लगता है ना कुछ, तो समझ। तेरी गलती नहीं है भाई, मेरी गलती नहीं है, गलती नहीं, तू पहुँचवाए हुई। ये कुआं है, ये कुआं होता था जिसमें पानी निकालते थे। मैं ऐसे पेट्रोल पहले फर्स्ट टाइम मैंने देखा, मिट्टी और तेल का। सॉरी गाइस, ओ भाई साहब, इधर से सच में को गिर जाए तो काम हो जाता है। कैमरा अंदर गिराए यार मेरे, यहाँ पे चल रहा था हमारा कुछ देर पहले दमादम मस्त कलंदर। चलो जमाने की कुंडिया गाइस, वे टू एग्जिट। सेल खत्म है तो बुला क्यों रहे हो? राजस्थान भाई, शांति शांति का किसी को बताना नहीं। सारा कुछ गुटके के कलर का है, पता नहीं पिंक सिटी क्यों है नाम, कोई रीज़न नहीं दिखा अभी तक मेरे को। मार्केट्स गाइस, गुटका गाइस, वो देखो गुटका गाइस। गूगल पे हम ये देख के आए थे, तो हम इसी को ढूंढ रहे थे मेरी सबसे। हाँ, अंदर वाली साइड पे भी हम जाके ये वाला व्यू ढूंढ रहे थे गाइस। ये वाला कहाँ से मिलेगा यहाँ पे, वहाँ से आके तो अभी मिली है। वहाँ से मुंह निकाला हमने बाहर, तो पता चला कि भाई ये तो इस साइड पे है। एक सेकंड भैया मेरे को बैठने देना। Guys, we are going to GT Mall. GT Mall. यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, तो हमने ऐसे बार्गेनिंग करी है भाई। यहाँ पे हमने बोला भाई 200 रुपया, 200 भी नहीं, 150 भी नहीं, 140 भी, 30 भी नहीं है, 40 रुपए देंगे भाई। हाँ, वर्थ है यार ये, वहाँ से शायद इनको ऐसे ही वापस आना पड़े। तो इलेक्ट्रिक टुक-टुक है हमारा गाइस, देख सकते हो। ये हमारे साथ मुशर्रफ भाई। भाई सच बताना, महल कैसा लगा? क्या ही बात, बहुत अच्छा। लेकिन जो गूगल पे देखा था गाइस, फोटोज देख के कभी भी मत आओ किसी जगह को देखने के लिए। वैसे नहीं है, जगह अच्छी है यार। पूरी गाड़ी अंग्रेजों की भरी हुई है, देख सकते हो आप, सभी अंग्रेज बैठे हुए हैं। वो किसी स्कूल के साथ पिकनिक पे आए होंगे। हमारा जीटी बाजार मार्केट बोलते हैं। नहीं गाइस, यहाँ पे हमारे पास है बब्बू भैया। क्या क्या खरीदा अभी तक आपने? अभी तक तो कुछ नहीं खरीदा, अभी तक कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब जो है ना। बब्बू भैया मेरे को कुछ लेके दो ना, आप ले लो ना यार, थोड़ा क्या लेके दोगे बब्बू भैया? है मेरे पास, चल रही है संडे मार्केट यही के लोकल में जहाँ पे हम रहते हैं। यार गाइस ओ यार इधर, और बस बढ़िया, थके हुए लग रहे हो? नहीं यार, ओके बाय गाइस, हम यहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन भाई यहां पे हम व्लॉग को खत्म करते हैं गाइस। संडे मार्केट का आपको हाल दिखा देते हैं, ये देखो सभी भाई इधर लेने क्या आया भाई, लेना क्या इधर भी क्यों आया ऐसे ही घूमने के लिए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर व्लॉग थोड़ा सा पसंद आया तो खुशी मत करो, रहने दो यार, ठीक है भाई।
दर्दी कोहली, दर्दी कोहली के नाम से इनका चैनल है यार लियाकत भाई का, वो भी सब्सक्राइब। मेरा नाम है वाईटी मुशर्रफ गेमर, बिल्कुल कुछ नहीं करना गाइस, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो।